एजुकेशन फिर से आज आपके सामने एक वीडियो लेकर, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको आगे का कंफर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए कम टू द टॉपिक, अब टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहला फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जब भी आप फाउंडेशन नेटवर्क मार्केटिंग का बना रहे हो अपना या फिर अपने सिस्टम का, तो आप सबसे पहले चीजें, जो पहली टॉपिक है वो है प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस करना कैसे है, जो प्रोडक्ट आप जिस प्रोडक्ट पे काम करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप यूज करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को लोगों को देने जा रहे हैं, सबसे पहला चीज देखिए कि वो प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं, अलग हट के है या नहीं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पेस्ट, अब वो पेस्ट तो हर जगह बिक रहा है, पेस्ट बाहर भी बिक रहा है, पेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिक रहा है, लेकिन आप जो पेस्ट बेचने जा रहे हैं वो शायद यूनिक होना चाहिए मार्केट प्रोडक्ट से। ये इसलिए यूनिक होना चाहिए कि इसकी वजह से, यूनिक होने की वजह से रिपर्चेज आएगा, और जब रिपर्चेज आएगा तो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बेचने में या उस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। ऐसा नहीं कि जो कॉपी कैट प्रोडक्ट हर कंपनियों में चल रहा है उसके साथ शुरुआत कर, और शुरुआत करने के बाद पता चल रहा है कि रिपर्चेज नहीं आ रहा हमारे बिजनेस के अंदर में और हम उस बिजनेस में फ्लॉप होने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट एनालिसिस की वजह से। तो ध्यान दें, फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट एनालिसिस जरूर करें। किसी भी कंपनी के अंदर में आप काम शुरू करें तो प्रोडक्ट एनालिसिस जरूर करें। दूसरा जो टॉपिक है, अहम टॉपिक है, वो है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहला चीज देखिए कि आप जिस बिजनेस के अंदर में जा रहे हैं क्या उसके लिए तैयार हैं आप रिजेक्शन झेलने के लिए। क्या आप 95% लोग भी अगर आपको रिजेक्ट कर देगा तो क्या वो रिजेक्शन को आप झेल लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको एनालाइज नहीं करते और चीजों को करने निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें मतलब फेल हाथ लगता है, ये मतलब असफल हो जाते हैं। वो सेल्फ एनालिसिस में आप सबसे पहले रिजेक्शन कितना झेल सकते हैं ये एनालिसिस करिए। दूसरा जो चीज है सेल्फ एनालिसिस के अंदर में वो ये है कि आप ये समझ लीजिए कि आप जो जिस भी लोग को प्लान दिखाने जा रहे हैं, जिसको भी बताने जा रहे हैं, आप उसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं दूसरी भाषा में इन्फ्लुएंस कैपेबिलिटी, आपके अंदर में कितना है, वाकई में है या नहीं है, या फिर आप सीखने को जुझारू हैं। आप सीख के भी इन्फ्लुएंस करना सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डे वन से बहुत ज्यादा होता भी है लोगों के अंदर में, लेकिन हाँ विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। और तीसरा जो सेल्फ एनालिसिस के अंदर में टॉपिक है वो है कम्युनिटी कैपेबिलिटी। कम्युनिटी कैपेबिलिटी, कम्युनिटी कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ के अंदर में सिंगल लाइफ जीते हैं, जैसे वो अपने घर में रहे, वो कभी सराउंडिंग में नहीं रहे, कोई टीम वर्क या कोई टीम सोसाइटी में नहीं रहे, जिसकी वजह से उनको पता नहीं है कि सोसाइटी में बिहेव कैसे करना चाहिए, लोगों को कितना रेस्पेक्ट देना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि वो स्वार्थी टाइप के इंसान होते हैं। तो कम्युनिटी कैपेबिलिटी आपको होना चाहिए। कम्युनिटी कैपेबिलिटी कैसे, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने जाएंगे तो हो सकता है अपलाइन के साथ काम करेंगे तो अपलाइन के साथ आपका रिलेशन कैसा है, अपलाइन को आप रेस्पेक्ट कैसा कर रहे हैं, अपलाइन से आपको रेस्पेक्ट कैसा मिल रहा है, आप डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशन कैसा है, डाउनलाइन को रेस्पेक्ट कैसा दे रहे हैं, ये मैटर बहुत अच्छे तरीके से करता है सेल्फ एनालिसिस के अंदर में। तीसरे टॉपिक पे आता हूं जो अहम है वो है रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस दो तरीके से होता है। सबसे पहला एनालिसिस रिजल्ट का करिए कि आप अफोर्ड कितना दे रहे हैं उस बिजनेस के अंदर में, अफोर्ड कितना लगा रहे हैं, मतलब अपना मेहनत कितना दे रहे हैं, और वो मेहनत का आकलन आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। आप दो तीन चीजों को ख्याल रख के कर सकते हैं। सबसे पहला चीज कि आप पर डे नंबर ऑफ कॉल्स कितना कर रहे हैं, पर डे नंबर ऑफ कॉल्स कितना कर रहे हैं। दूसरा चीज, पर डे आप प्लान कितना कर रहे हैं। तीसरा चीज, आपके सिस्टम या आपके बिजनेस के अंदर में रिपर्चेज पर डे कितना हो रहा है। और चौथा चीज, मंथली मीटिंग कितनी हो रही है। ये आपका अफोर्ड है रिजल्ट एनालिसिस के अंदर में, ये आपका अपना अफोर्ड है जो आप अफोर्ड लगा रहे हैं, कि उस अफोर्ड पे आप ये चेक करिए। इसका एक वर्कशीट बना लीजिए, सबसे पहला चीज उसमें लिखिए कि नंबर ऑफ कॉल्स पर डे आप कितना कर रहे हैं, आ नहीं रहा है कर कितना रहे, नंबर ऑफ प्लान्स पर डे आप कितना कर रहे हैं, और नंबर ऑफ रिपर्चेजिंग कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्ट परचेज हो रहा है, कितने मात्रा में हो रहा है, वो चीज आप एनालाइज करिए। और चौथा चीज की मंथली मीटिंग कितनी हो रही है। जब अफोर्ड एनालिसिस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे सेकंड जो रिजल्ट एनालिसिस के अंदर में आएगा वो आपका ज्वाइनिंग बोल लो या रिजल्ट बोल लो, आप जब उसको चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, कितना बढ़िया होगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया, प्रोडक्ट एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस अगर करके नेटवर्क मार्केटिंग को तीसरे पार्ट में रिजल्ट एनालिसिस के अंदर में जाते हैं और इफोर्ट एनालिसिस करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको रिजल्ट भी बेहतरीन मिलेगा। और चौथा, और इस
पूरे वीडियो का लास्ट टॉपिक जो बोलते हैं ट्रेनिंग एनालिसिस। अब रिजल्ट तो आ गया आपके पास, लोग भी आ गए, अगर उस लोग को आप ट्रेंड नहीं करेंगे बेसिक लेवल से, इंटरमीडिएट लेवल से, एडवांस लेवल से, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, और एक दिन में नहीं होगा ये, धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे आप ट्रेनिंग की प्रक्रिया अपने टीम के अंदर में नहीं करेंगे, तो विश्वास मानिए कि आने वाले दिनों में आप बिजनेस तो कर लेंगे लेकिन एज ए सेल्समैन की तरह बिजनेस करेंगे, आप नेटवर्कर की तरह बिजनेस नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर की तरह बिजनेस करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है ज्वाइनिंग के बाद जो वो लोगों की बेसिक ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, अगर ये सारी ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। देखिए होता क्या है कि फोकस हर कोई करना चाहता है, कोई शौक से ट्रेनिंग नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि शौक से ट्रेनिंग देना छोड़ देता है, होता क्या है कि वो काम में इतना मतलब भिड़ जाता है, फोकस्ड हो जाता है कि वो ट्रेनिंग एक पार्ट जो होता है टीम बनने का, उसमें वो ध्यान नहीं देने की वजह से होता क्या है कि वो ट्रेनिंग नहीं कर पाता, और ट्रेनिंग नहीं करने के वजह से टीम तो बहुत बड़ा बना लेता है लेकिन वो टीम ऐसी बन जाती है कि जब तक वो बेच रहा है तब तक पूरे टीम के अंदर में, पूरे टीम में बिजनेस हो रहा है, और जिस दिन वो बेचना बंद कर देता है उस दिन बिजनेस होना कम हो जाता है। तो ये चार टॉपिक जो आज फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मैं बता रहा हूँ, या फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में जो बता रहा हूँ, सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरा है सेल्स एनालिसिस, तीसरा है रिजल्ट एनालिसिस, और चौथा है ट्रेनिंग एनालिसिस। अगर ये चार टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ले गए और घर में जाके इस पे एक बार विचार करेंगे, एक बार सोचेंगे, तो आने वाले दिनों में आपको इसका बेहतरीन फायदा एक टीम के रूप में मिलेगा। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसी के साथ आज कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप, थैंक यू सो मच।